तुर्की में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इसने हजारों लोगों को बेघर किया है। बीते सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने 21,000 लोगों की जान ले ली है। यहाँ पर तेजी से बचाव कार्य राहत कार्य जारी है। यहाँ पर मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। हर तरफ मातम छाया हुआ है। तुर्की के साथ सीरिया में भी इसी तरह का हाल है। हर तरफ गमगीन आंखें दिखाई दे रही हैं। इसी बीच सीरिया के उत्तर पश्चिम इलाके में भूकंप से गिरी एक इमारत में जन्म लेने वाली बच्ची की कहानी भी आपको रुला देगी। इस बच्ची को गोद लेने के लिए कई लोग सामने आए हैं। मलबे में जन्म लेने वाली बच्ची का नाम आया है। ये अरबी नाम है। इसका अर्थ होता है करिश्मा। इस बच्ची को जब बाहर निकाला गया तो वो गर्भनाल के जरिए अपनी माँ से जुड़ी हुई थी। भूकंप के कारण आया की माँ पिता चारों भाई बहन की मौत हो गई है। वो इस समय अस्पताल में है। आया की देखभाल करने वाले डॉक्टर का कहना है कि जब वो सोमवार को यहाँ पर आई थी तो बेहद बुरी हालत में थी। उनके शरीर में कई जगहों पर सूजन जख्म देखा गया। उसके शरीर का तापमान काफ़ी कम था। वो बड़ी कठिनाई से सांस ले रही थी। अब इस बच्ची की हालत सही बताई जा रही है। बचाव कर्मियों की ओर से आया को बचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स धूल से लिपटी एक नवजात बच्ची को मलबे से बाहर निकालता दिख रहा है। इसके बाद बच्ची के दूर के रिश्तेदार खलील अल सुवादी ने उसे सीरियाई शहर अफरीन में डॉक्टर मारूफ को सौंप दिया। इस घटना के बाद से हजारों लोग सोशल मीडिया पर बच्ची गोद लेने का प्रयास कर चुके हैं। एक शख्स ने कहा, इस बच्ची को गोद लेकर उसे एक अच्छी जिंदगी देने का प्रयास करूंगा। एक कुवैती एंकर का कहना है कि अगर कानून इस बात की इजाज़त दे तो मैं इस बच्ची को गोद लेकर देखभाल करने को तैयार हूं। जिस अस्पताल में आया भर्ती है वहां के प्रबंधक खालिद अतिया ने बताया कि उन्हें दुनिया भर से बच्ची को गोद लेने के लिए दर्जनों बार कॉल आया। अतिया का कहना है कि वह फिलहाल किसी को उसे गोद लेने की इजाज़त नहीं देने वाले हैं। जब तक उसके दूर के रिश्तेदार वापस नहीं आते हैं तब तक वो उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। उनकी बेटी आया से 4 महीने बड़ी है। इस समय डॉक्टर अतिया की पत्नी बच्ची का ख्याल रख रही हैं। आया को दूध पिला रही हैं। आया के होम टाउन जिंदियारिस अभी भी बचाव अभियान चलाया जा रहा है।